बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ शेफ़ हम्माद और आप देख रहे हैं हम्माद का किचन। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल मीठी टिकिया की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि सभी को बहुत पसंद आएगा जब इस रेसिपी को आप फॉलो करके बना लेंगे। खस्ता करारे बन कर तैयार होता है, बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करेंगे, टी टाइम में इंजॉय कीजिए। तो चलाए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, एक बोल मैंने ले लिया। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल लूँगा 4 कप मैदा। ये देखिए मेरे पास मेजरमेंट है, तो मैंने उसी से ही लेवट करके ये ऐड कर लिया। ये देखिए, अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी कप ले लें, उस हिसाब से आप डाल दें। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूँगा पिसी हुई चीनी, 1.5 कप यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये भी मेजरमेंट का। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और 1 कप इसके अंदर ऐड करेंगे सूजी। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा यूज़ कर रहा हूँ, ये 4 टेबल स्पून के बराबर है। इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तिल 3 टेबल स्पून। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा देसी घी यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं ऐड कर दूंगा 4 टेबल स्पून के बराबर। इसमें देसी घी ही बेस्ट जाते तो आप वो ऐड कर लीजिएगा, अगर ना हो तो फिर आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा छोटी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून। ये देखिए, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगा। सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए मुट्ठी बन जाने पर बन जानी चाहिए इस तरीके से। ये देखिए, और अगर नहीं बने तो थोड़ा सा कि आप और भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए देखिए, मैंने 1 कप दूध ले लिया था और अब मैं इसे गूनूंगा। थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करूंगा, मैं दूध ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास दूध ना हो तो आप पानी से भी गूंद सकते हैं। हार्ड साइड पर ही मुझे डो चाहिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ऐड करूंगा। ये देखिए अच्छे से मैंने गूंद लिया। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगा 1 से 2 चम्मच ऑयल। ये देखिए ऊपर से आप डाल लीजिएगा। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगा। इससे ज्यादा स्पंज भी नहीं मारते इस डो के बाद। इस डो के खास बात तो ये है। ये देखिए, और अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगा आधे घंटे के लिए। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए इस डो को निकाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए काउंटर टॉप पर ही निकाल लेंगे और इसे हल्का सा नीट कर लेंगे इस तरीके से। और इसे मैं डिवाइड कर लूंगा 2 हिस्सों में। ये देखिए, ये एक को रखेंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से भी खुश्क डस्ट कर लेंगे। ये देखिए, और अब इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, जो मैं मेटर आपको बता रहा हूँ ये इजी वे है टिक्कियों को बनाने का। ये देखें, और मोटाई भी आप देख सकते हैं कि कितनी मैं रखूंगा। ये देखें, कोई भी ढक्कन कोई भी कटर आप ले सकते हैं। इसको अब हम इस तरीके से करेंगे। ये देखें, मैं थोड़े छोटे साइज के बना रहा हूँ, आप बड़े छोटे बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखें इससे, ये देखें बहुत ही इजी वे है टिक्कियों को बनाने का तरीका। ये देखें, ये देखें इसकी मोटाई भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। तो अब मैं इसी तरीके से बना के साइड में रखता जाऊंगा। ये देखें बहुत ही इजी है इसको बनाना। ये देखें इसकी मोटाई इतनी होगी 1/2 इंच के बराबर। यहाँ देखिए ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, और ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। मीडियम हॉट गरम होना चाहिए। ये देखें, और अब ये टिक्की अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा बिस्मिल्लाह करके। ये देखें इस तरीके से, और ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। ये देखें, और अब ये हम डालते जाएंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं डालने के बाद हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं, और इसे तकरीबन लगेंगे 8 से 10 मिनट फ्राई होने में। ये देखिए, और अब मैं इसे फ्राई कर लूंगा।
और मैं टच भी नहीं करूंगा शुरू में क्योंकि इसका शेप आउट हो जाएगा। इसे रहने दूंगा 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखे ये टिक्किया हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके, मुझे 10 मिनट लगे थे टोटल। ये देखे खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। मैं आपको करीब से भी इसका लुक दिखा दूं, यकीन मानिए इतना टेस्टी बनता है कि चार चांद लगा देगा। ये देखे आप देख सकते। और इसे किसी ऐसे बर्तन में निकालिए कि दोनों साइड से हवा लगे, और मैंने बटर पेपर भी रख दी। ये देखे और अब मैं इसे निकाल लूंगा। ये देखिए और इसे मैंने फ्राई किया था मीडियम टू लो फ्लेम पर, ये देखिए ताकि अच्छे खस्ता बनकर और तैयार हो। और इसे भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए पूरी तरीके से मीठी टिक्किया हमारी बनकर तैयार है, और इसे मैंने सर्व कर लिया। ये देखिए बहुत ही मजे के बनकर तैयार होती है। वैसे भी विंटर्स का मौसम में बना के टी टाइम में चाय के साथ एंजॉय कीजिए, और बनाने में भी आपने देखा ना कितना सिंपल है। ये देखिए और अब मैं आपको तोड़ के भी खस्ता दिखा दूं कि कितने अंदर से खस्ता बने और क्रंची क्रंची से। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं तोड़ के भी। ये देखिए और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूं अंदर से। ये देखिए आवाज भी आप सुने। ये देखें खस्ता बन के तैयार होते हैं बिल्कुल बिस्किट जैसे। ये देखें तो आप भी इसे जरूर बनाएंगे। ये देखें अगर आपको ये मीठी टिकिया की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आज मैं आप लोगों के लिए क्रीमी खीर की रेसिपी लेकर आया। झटपट से बन के तैयार होके पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे, सबको बेहद पसंद आएगा। इसमें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, आप उसे भी फॉलो करके ये बनाएं। कूडने में सर्व करेंगे और सबको बेहद पसंद आएगा। बना के बच्चों को खिलाए, दावतों में सर्व करें। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलाए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 2 लीटर मैंने दूध रख दिया। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगा मिल्क पाउडर 1 कप, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लीजिएगा। यहाँ देखिए मैं 1 कप यूज कर रहा हूँ, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगा। मिल्क पाउडर का कोई लम्स ना रहे। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए, और अब मैंने चूल्हे को मीडियम पे ऑन कर दिए, और अब मैं इसे पका लूंगा। इसमें एक बॉयल आ जाए, 5 से 6 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखे मैंने दूध को अच्छे से पका लिया, 5 से 6 मिनट तक इसमें बॉयल भी आ चुका है। और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा चावल का आटा 4 टेबल स्पून। ये देखे आप ले लीजिएगा और पीस लीजिएगा फूड प्रोसेसर में डाल के। ये देखे कोई से भी चावल आप यहाँ यूज कर सकते। ये देखे और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा छोटी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून। ये देखिए अगर आपको पसंद तो डाल लीजिएगा, नहीं पसंद तो स्किप करें। और अब मैं इसी तरीके से इसे पकाऊंगा ताकि चावल का दाना नीचे नहीं लगे। और अब इसे मैं मिक्स करता जाऊंगा, और अब मैं इसे पकाऊंगा 15 से 20 मिनट के लिए। ये खीर बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे पकाते हुए। ये देखिए 15 से 20 मिनट तक मैंने मुसलसल इसे चम्मच चला चला के पका ली। ये देखिए इतना थिक हो चुका है खीर हमारा। ये देखिए और अब मैं बाकी की चीजें इसके अंदर ऐड कर दूंगा। अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा बादाम और पिस्ते मैंने ले लिए थे, ये 1/2 कप होंगे। इसे मैंने फ्रूट प्रोसेसर में डाल के ग्राइंड कर लिया, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालें, आप सादा भी बना सकते हैं। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगा। ये देखे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा कंडेंस मिल्क 1 कप। मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रहा हूं, आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए और ये अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप ले सकते हैं अगर कंडेंस मिल्क ऐड करना चाहो। और अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगा। कंडेंस मिल्क मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि फिर हमें ज्यादा नहीं पकाना पड़ेगा खीर को। अगर आप चीनी ऐड करेंगे तो फिर आपको थोड़ा और पकाना पड़ेगा। और अब मैं इसे ज्यादा नहीं पकाऊंगा, बस 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगा।
और अब मैं इसी के साथ इसके अंदर ऐड करूंगा क्रीम आधा कप। कोई से भी क्रीम आप यहाँ यूज कर सकते अगर पसंद है तो। मैं क्रीमी क्रीमी सा बनाऊंगा तो इसलिए मैं क्रीम ऐड कर रहा हूँ। और अच्छे से मिक्स कर लूंगा। तो ये देखिए खीर पक के तैयार है और अब मैं इस चूल्हे को करता हूँ बंद और अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगा, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखिए इतना तीख होना चाहिए और ये ठंडा होने के बाद और भी तीख हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने मट्टी का कुंडा ले लिया और अब ये खीर मैं इसके अंदर डाल दूंगा। मैं इसमें सर्व कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप भी इसमें सर्व करें, आप किसी भी बर्तन में सर्व कर सकते। और मैंने खीर को ठंडा कर लिया था, मुझे ठंडी खीर पसंद है तो इसलिए मैंने ठंडा कर लिया था। और ये देखिए खीर आप देख सकते कितना तीख है। ये देखिए सारी खीर अब मैं डाल दूंगा। ये देखिए और अब मैं इसे गार्निश कर लूंगा बादाम और पिस्तों से, इस तरीके से मैं डाल दूंगा। बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हुई है, यकीन मानिए इतना टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ही यमी लग रहे हैं। जब इसे मैंने ठंडा करने के लिए रखा था तो मेरी छोटी बहन ने थोड़ा सा ले लिया था, उससे सबर नहीं हो रहा था। ये देखिए और अब मैं गार्निश कर लूंगा। ये देखिए और अब मैं बादाम से गार्निश कर लूंगा, इस तरीके से सेंटर में रख दूंगा, इससे बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए और अब मैं इसके सेंटर में भी डाल दूंगा बादाम पिस्ते, इस तरीके से। तो ये देखिए खीर हमारी बनकर तैयार है और अब मैं इसे सर्व करने लगा हूं। तो ये देखिए खीर हमारी बनकर तैयार है, क्रीमी कुंडा क्रीम, आप भी इसे जरूर बनाइएगा। ये देखिए कुंडे में मैंने सर्व कर लिया, इसका और भी लुक अच्छा हो चुका है। ये देखिए मैं इसे ठंडा ठंडा सर्व कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक सर्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आप सर्व करना चाहें। आप इसे पूरियों के साथ भी ले सकते और बच्चों को भी खिला सकते, ये सबको बेहद पसंद आएगा, ये तो मेरा आपसे वादा है। और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम भी नहीं है, आप भी ये जरूर बनाएगा। अगर आपको ये क्रीमी खीर की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर नए रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।